नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ में कितने प्रश्न किए जाएं, आपके कितने अटेम्प्ट किए जाएं कि आपका प्री क्लियर हो जाए, ऐसा कई सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। उन्हीं को क्वेश्चन देने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए टोटल अगर आप देखें तो टोटल 200 नंबर का तो आपका होगा पेपर, ठीक है। 140 नंबर का आपका आएगा जीएस और 60 नंबर की आएगी आपकी हिंदी। अब देखिए इस बार से जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, क्योंकि इस बार से आपकी निगेटिव मार्किंग हो गई इंट्रोड्यूस, वो भी 1/3, 1/4 नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में 1/3 मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, इसीलिए कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, 50% के आसपास, 60% के आसपास। अब बढ़ने लगा है 2-3 सालों से पिछले, लेकिन जनरली कम ही रहता है। यूपी पीसीएस में अगर आप देखें, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें, पिछली बार का अगर आप कट ऑफ उठा के देखें तो 140 के आसपास गया था, ठीक है, 130, 140 के आसपास तो जाता ही जाता है, मतलब 70% आपका जाता ही जाता था अभी तक। लेकिन अब हो गया है निगेटिव मार्किंग, और ये पहली बार यूपी में हुआ है आरओ एग्जाम में, जो बड़ा लेवल का एग्जाम है उसमें। तो इसमें मेरे हिसाब से, जहां तक मैं एनालाइज करता हूँ ये सब चीजें, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ कम तो होना चाहिए, लेकिन कितना कम होना चाहिए ये डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी जहां तक मेरा अंदाजा है कि करीबन 120 से कम नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि यूपी में ये आईएएस पीसीएस, और देखिए जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसने ज्यादातर लोगों ने आरओ का एग्जाम भरा ही भरा है, मेरे कई सारे स्टूडेंट ने भरा है। तो आपका ज़्यादातर लोगों ने इसमें भरा है, और यूपी और बिहार और इन सब जगह काफ़ी ज़्यादा लोग टैलेंटेड होते हैं, और काफ़ी, जैसे कई बार आपको यूट्यूब में नहीं देखते हैं, व्हाट्सएप में नहीं देखते हैं, फेसबुक में, लेकिन लोग पढ़ने वाले रहते हैं, वो बहुत छुपे उस्ताद रहते हैं इसमें, और एक से एक टैलेंटेड लोग पढ़े हैं। जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, और मैं जो मेरा एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का रहा है इसमें यूट्यूब में, और ये 2 साल का करीबन यूपी पीसीएस में, उसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो 120 से तो आपको ऊपर ही टारगेट करना पड़ेगा। आप टारगेट रखिए अपना 125 से 30 तक का, ठीक है। मतलब इसमें आपको साफ साफ ही समझ में आ गया कि आपको, आप अपना टारगेट बना के चलिए कि 130 प्लस आपको करने हैं, सही, ठीक है। अब ये बात पहली हो गई। दूसरी बात ये कि 130 कैसे करेंगे, अगर आपके मान लीजिए जीएस वाला पेपर में आपका करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरे हमारे वीडियो देख रखे हैं, प्लस आपने जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, और यूपी बजट है, यूपी जीके, सब कुछ ठीक रखा है आपका, मतलब 140 में से अगर आप वहाँ करीबन 90 क्वेश्चन आप सही कर लें तो काम बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और जो हिंदी वाला है 60 नंबर का, इसमें आप करीबन 30-40 या फिर इसमें और ज़्यादा कर लीजिए। देखिए हिंदी वाले पेपर में एक्चुअली नंबर ज़्यादा लाए जा सकते हैं, मैं कई सारे ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैंने देखे हैं मार्क्स उनके, और इवन 60-60 नंबर लाते हैं लोग 60 में से। तो अगर आपकी जीएस थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है तो हिंदी में आप ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, ठीक है। 6 चीज़ें आती हैं और अभी भी काफ़ी टाइम है, अगर आप एक एक दिन में भी उठा के 2-2, 3-3 घंटे पढ़ेंगे, जैसे विलोम शब्द उठा लीजिए, 400-500 विलोम पढ़ डालिए, बुक वही है, बुक मैं बता चुका हूँ पहले ही, तो हिंदी में आपका फोकस हो गया। अगर मान लीजिए 60 में से, देखो अभी तो कट ऑफ निकालना है आपको जीएस से और हिंदी से, कोई ऐसा कोई आपको मतलब नहीं है, आपका मतलब है कट ऑफ निकल जाए बस। तो अगर हिंदी में ज़्यादा आप मार्क्स फेच कर सकते हो, करीबन 40-45-50, तो बहुत ही शानदार बात है, आपके वहाँ पर मान लीजिए 80 भी आ गए तो भी काम बन जाएगा। तो कोशिश यही करना आप, पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि द डाउटफुल है, मेरे हिसाब से छोड़ देना उसको, छोड़ना ही बेटर बात है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन में आ जाएं कि 140 में से आपको 80 क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, तो फिर तो मतलब बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 60 नंबर आपके, 60 क्वेश्चन बचे आपके, और फिर हिंदी वाले में क्या पता आपको 60 आते भी हों कि नहीं आते हों, तो फिर मरने वाली कंडीशन आ जाएगी ना, कि फिर तो मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही अपने आप आउट हो जाओगे। अब उस 60 में से भी मान लो कितने सही होंगे, क्योंकि कई बार हमको एग्जाम में लगता है लेकिन नहीं होते हैं एग्जाम में सही, बाद में आंसर की कुछ अलग आती है। तो ऐसा अगर क्रिटिकल केस आ जाए कि आपको मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तब फिर आपको अंधी जरूर लगानी चाहिए, जो भी तुक्के मार बाजी मारने, क्योंकि फिर तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो आप रेस से आउट ही हो जाओगे, अगर 100 के 110 से नीचे आप मार्क्स लाए तब तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे ही जब रेस से आउट होने वाले हो तो तुक्केबाजी कर ही लेना। फिर उसमें ये देखना कि मान लो एक 4 ऑप्शन है, 4 में से पहला वाला मान लो आपको 2 में कन्फ्यूज़ हो गए, तो कुछ थोड़ा बहुत लग खेलना उसमें और देखना थोड़ा सोच के कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। या फिर कई बार लोगों का ऐसा भी होता है, आप लोग मानिए ना मानिए, लेकिन लक होता है, आप कुछ भी अपने टोटके अजमा के एक क्वेश्चन उसमें आंसर कर देना। तो ये है मेरे हिसाब से, और मतलब कुल मिला के आपको टारगेट 130 प्लस का ही रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। कट ऑफ किसी भी कीमत पे 120 से कम नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है। ये 200 में से टोटल, ठीक है, टोटल 200 में से आपके कम से कम 120 से ऊपर तो आना ही चाहिए, आपको टारगेट रखना है 130 प्लस का। और ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपको अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि
अब मैं अभी बता चुका हूँ वो कि अगर क्रिटिकल आ जाए तो फिर तुक्केबाजी कर लेना। तो ये है मेरे हिसाब से एनालिसिस आपकी, मतलब आप 140 में से वहाँ पे करीबन 100 क्वेश्चन करने का टारगेट रखो, 60 में से करीबन यहाँ पे 50 55 60 तक क्वेश्चन करने का टारगेट रखो, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि आप टोटल 130 प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा लालच भी मत करना कि ऐसा नहीं कि मान लो 140 में से आपको 80 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट पता है, तो मेरे हिसाब से वही लगाना, ठीक है। 80 वहां लगा दिए और यहाँ पे आप अगर आपको उधर तैयारी की तो इधर भी कर रखी होगी, 40 45 यहाँ पे आ गए, 120 25 आ जाएगा कट ऑफ, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। मान लो आपने वहां पे 80 लगा दिए, ठीक है, और फिर आपको कुछ ऐसे मतलब लास्ट में ये थोड़ा सा अपने आप जज करना कि कुछ उस क्वेश्चन में अंधी मारनी चाहिए कि नहीं, लेकिन ज्यादा अंधी मत मारना क्योंकि 1/3 मार्किंग है, बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा फिर, ठीक है। थोड़ी बहुत अंधी तो चल सकती है कि मतलब आप 1 2 मिनट डाउट है और फिर आपने लास्ट में कर दिया अटेम्प्ट, को उतनी तो चलती है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के सतर्क होकर रहिएगा। पहले आप वही वाले क्वेश्चन करिएगा जो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली पता है कि ये सही ही सही है, ठीक है। पहले मतलब आप पेपर जब स्टार्ट करिए तो पहले वो वाले क्वेश्चन करा करिए जो आपको एग्जैक्टली कॉन्फिडेंटली बिल्कुल पता है कि हाँ इसका आंसर बिल्कुल यही है, डैम श्योर हैं आप उस पर, तो पहले वो वाले कर लीजिए। तो पेपर पे साइकोलॉजिकल प्रेशर आप बना लेंगे और पेपर पे हावी आप हो जाएंगे, पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अगर आपने शुरू के ही 10 क्वेश्चन गलत कर दिया तो पेपर आप पे हावी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस एकदम से लोअर की तरफ चला जाएगा। इसीलिए ना ओवर होना चाहिए ना लोअर होना चाहिए, मेन जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत थिन लाइन है, उसी के बीच में आप रहिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से कुछ लास्ट टाइम टिप्स थी और आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट है आपको।